ट्रेंडिंग प्लेसेस में आपका स्वागत है। डॉट आज हम आपको बोकाप के माध्यम से ले जाएंगे, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में पड़ोस। हिसाइग बोकाप अपनी छोटी छोटी पत्थरों वाली गलियों के लिए जाना जाता है, जो जीवंत इमारतों से युक्त हैं और यह दोपहर का पसंदीदा आकर्षण है। बोकाप संग्रहालय और ओवाल मस्जिद जैसी साइटें, जो 1790 के दशक में स्थापित की गई थी और मुस्लिम आप्रवास की उपलब्धियों को प्रदर्शित करती हैं, में स्थानीय केप मलय संस्कृति भी है। पास में ही साधारण भोजनालयों में करी, रोटी और अन्य केप मलय व्यंजन परोसे जाते हैं। हर दिन दोपहर में सिग्नल हिल से नूनगन तोप दागी जाती है। केप टाउन के सबसे विशिष्ट पड़ोसों में से एक, बोकाप में अनुभव करने, स्वाद लेने और खोजने के लिए बहुत कुछ है। बोकाप, जिसे मूल रूप से मलय क्वार्टर के रूप में जाना जाता है और सिग्नल हिल के आधार पर स्थित है, पहली बार 1760 के दशक में बसा था, जब बड़ी संख्या में हुरहुस, जिस किराए के घर का निर्माण और दासों को पट्टे पर दिया गया था। केप मलेशिया के नाम से जाने जाने वाले ये श्रमिक मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों से केप आए थे। आज भी निवास केप डच और जॉर्जियाई डिजाइन का एक सम्मिलन है, जो खड़ी कोबब स्टोन सड़कों के साथ पहचानने योग्य बहु रंगीन पंक्तियों में व्यवस्थित हैं। उनके पट्टे के दौरान आवासों को सफेद रंग से रंगने का निर्णय रंग पसंद के पीछे का कारण बताया जाता है। जब इस प्रतिबंध को अंततः हटा दिया गया और दासों को संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई, तो हर घर के मालिकों ने अपनी नई स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उन सभी को जीवंत रंगों में रंग दिया। कई सदियों से परिवार बोकाप में रह रहे हैं। बोकाप समुदाय अब सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण घटक है। बोकाप संग्रहालय वर्तमान में बोकाप की सबसे पुरानी इमारत में स्थित है, जो वाले स्ट्रीट पर स्थित है। क्षेत्र के वास्तविक इतिहास के बारे में जानने और एक सामान्य मलय परिवार के दैनिक जीवन पर एक नजर डालने के लिए सबसे अच्छा स्थान यहाँ है। बोकाप ओवाल मस्जिद का भी घर है, जो दक्षिण अफ्रीका में मुसलमानों के लिए पहली मस्जिद बनाई गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।